विकास, जो केंद्रीय दल आया है उसने जाहिर है जब डॉक्टर भंडारी से बातचीत की गई होगी तो कई बिंदुओं पर बातचीत की गई होगी, वो बिंदु पता चल पाए और रिपोर्ट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार जो है पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, पूरे देश भर के अंदर जितने डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए पूरा एनालिसिस किया गया और उसके बाद में 9 राज्य ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर डेंगू जो है वो बेकाबू स्थिति में है। उसमें राजस्थान का नाम है और अन्य राज्यों के नाम है, केरल का नाम है। तो उन तमाम जगह पर केंद्रीय टीम जो है उनको भेजा गया है और वहां से हर राज्य से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है जिसकी वजह से डेंगू जो है वो अपना विकराल रूप जो है वो इस बार दिख रहा है। हमने कल बताया था खबर के अंदर कि SMS अस्पताल की बात करें तो पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड जो है डेंगू ने तोड़ दिया है। इसको देखते हुए टीमें सक्रिय है। आज जो केंद्रीय टीम पहुंची है वो SMS मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है, उसके साथ ही अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति में अपडेट जो अब आप बता दें कि अभी RUHS जो है वहां पर केंद्रीय टीम पहुंची है और वहां पर जाकर के वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए। साथ ही SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठक बुलाई गई थी, मैराथन बैठक हुई है, इसके अंदर प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व में पूरी टीम जो है उन्होंने पूरा फीडबैक दिया है। प्रदेश में डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर फीडबैक दिया है, राजस्थान के बाहर के जो केस आ रहे हैं SMS अस्पताल के अंदर उनको लेकर फीडबैक दिया है। साथ में ये बताया है कि इस बार डेंगू की जो सीवियरिटी जो है केस की वो ज्यादा है। पहले जहां पर प्लेटलेट जो है 3 से 4 दिन के अंदर मरीज के अंदर रिकवरी मोड पे रहता था, अब वही मरीज जो है 7 से 8 दिन का टाइम लग रहा है। इसके साथ ही लीवर डैमेज की स्थितियां जो है वो सामने आ रही है। तो जो डेंगू का जो बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।